सोशलाइजेशन होता क्या है, द मींस बाय विच सोशल एंड कल्चरल कंटिन्यूटी आर अटेंड। देखिए सोशलाइजेशन का मतलब है क्या कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो धीरे धीरे उसके पेरेंट्स से वो सीखता है कि उसके पेरेंट्स किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, किस तरह से बात करते हैं घर में, वो सब कुछ देखता है, पहले इमिटेट करता है, फिर उनसे सीखता है, वो मॉरल वैल्यू सिखाते हैं, वो स्किल सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे जाकर वो उसी तरह की फंक्शनिंग करने लग जाता है जैसे उसकी सोसाइटी में होती है। तो इसीलिए वो फैमिलियर हो जाता है उन चीजों से और अपनी सोसाइटी का जो है वो एक पार्ट बन जाता है, उसका एक मेंबर बन जाता है, और इस तरह से जो है वो हमारी लर्निंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी एक्सपीरियंस से हम वो चीज सीखते हैं। तो उसे कहा जाता है सोशलाइजेशन, कि मतलब सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करने के लिए जो चीजें हम सीखते हैं, हम जो लर्निंग कर रहे हैं, उससे हम बोलते हैं सोशल। जैसे ये इसकी डेफिनेशन दे रखी है, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एक्वायर द नॉलेज, वो नॉलेज लेता है, लैंग्वेज सीखता है, सोशल स्किल्स सीखता है, वैल्यू टू कन्फर्ट ऑन द नॉर्म्स एंड रोल्स रिक्वायर्ड फॉर सोसाइटी। तो इस तरह से वो सारी चीजें सीखता है और फिर उस ग्रुप का मेंबर बन जाता है, वो उस सोसाइटी का मेंबर बन जाता है। तो इसमें से आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, आपको समझ आ गई होगी होप कि हम जो चीजें अपने घर से सीखनी स्टार्ट करते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखनी स्टार्ट करते हैं, ताकि हम अपने सोशल रोल्स को समझ सके कि हमारे क्या रोल्स हैं, हमारे क्या एथिक्स हैं, हमारी क्या मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए, क्या स्किल्स हमारे में अंदर होने चाहिए, ताकि हम इस सोसाइटी का हिस्सा बन सके, तो वो कहलाते हैं आपकी सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपका कभी भी जो है बंद नहीं होता है, आप जनरेशन टू जनरेशन उस चीज को सिखाते रहते हैं और लाइफ तक, डेथ तक आप जो है उस चीज को सीखते रहते हैं, पैदा होते हैं जब सीखना स्टार्ट करते हैं और डेथ तक कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो सोशलाइजेशन जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और जो आप ट्रांसफर करते हैं जनरेशन टू जनरेशन, आप इस चीज को आगे से आगे ट्रांसफर करते हुए जाते हैं। सोशलाइजेशन जो है वो ट्रांसमिशन करता है आपके कल्चर की, आपके बिहेव की, आपके डिसिप्लिन की, ये सब चीजें आपको जो है सोशलाइजेशन से ही आती है। कैसे अपना बिहेव आपको कंट्रोल करना है, हर चीज टॉलरेंस कैसे करनी है, वो सब आपको सोशलाइजेशन से ही आता है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें सबका रोल कैसे रहता है। जैसे सबसे पहले आ गया है इसमें फैमिली का, तो फैमिली क्या होती है, फैमिली वो होती है जो कि हमें जन्म से मिलती है, जो कि मतलब जिसमें हम रहते हैं, जिसे हम परिवार कहते हैं, जिसे हमें लव मिलता है, हमें हमारी नीड्स पूरी करते हैं, उसे हम फैमिली कहते हैं। तो अब फैमिली जो है वो किस तरह से हमारी हेल्प करती है या हमें सोशल बनाती है, देखिए फैमिली पहले किस तरह की होती है, न्यूक्लियर फैमिली होती है, एक एक्सटेंडेड फैमिली होती है और एक ज्वाइंट फैमिली होती है। न्यूक्लियर फैमिली कौन सी होती है, जिसमें कि सिर्फ दो एल्डर्स रहते हैं, मतलब मम्मी पापा रहते हैं अपने बच्चों के साथ। एक्सटेंडेड फैमिली कौन सी होती है, जिसमें कि आपके अंकल आंट, आपके कजन, मतलब रिश्तेदार रहते हैं आपके आपके साथ। और एक होती है ज्वाइंट फैमिली, जिसमें कि आपके दादा दादी, नाना नानी या कोई भी जो है मदर के पेरेंट्स हैं या फिर आपके फादर के पेरेंट्स हैं, उनके साथ आप रहते हैं, दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट फैमिली। की बच्चों को जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने का मौका मिल रहा है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वो रहकर मोरल सीख रहे हैं, उन्हें कहा जाता है ज्वाइंट फैमिली। तो फैमिली हमारी किस तरह से हेल्प करती है, सबसे पहले है स्टेबल सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्सुअल नीड्स की, जो है टाइम पे आपकी शादी करवाती है। सोशलाइजेशन में कैसे हेल्प करती है, कि भाई आपको नॉर्म्स, आपको मोरल सिखाती है, अपनी वैल्यू सिखाती है कि भाई क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है, भाई आपको मतलब हर चीज अच्छी जो है वो सिखाई जाती है, ताकि एक बेटर सिटीजन, बेटर सोसाइटी मेंबर आप बन सके। वो चीज आपको फैमिली के द्वारा ही सिखाई जाती है, क्योंकि आपको जन्म से कोई चीज नहीं आती, आप फैमिली से ही धीरे धीरे उस चीज को सीखना स्टार्ट करते हैं, क्या चीज आपके लिए ठीक है, क्या चीज आपके लिए गलत है। देन प्रोक्रिएशन एंड रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन, ये जो है फैमिली जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि बच्चे पैदा करो या उनकी पालन पोषण करो, ये जो है उनका पूरा ध्यान रखती है, उनको हर तरह की केयर देती है, उनको हर तरह के एथिक्स सिखाती है, स्किल सिखाती है, उनको खाना देती है, जो हमारे लिए जरूरी चीज कौन सी है, फूड है, शेल्टर है, अफेक्शन है, प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है, वो सब चीजें हमें फैमिली से मिल जाती हैं। फैमिली हमें एक हेल्दी एनवायरनमेंट देती है, ताकि हमें जो है हमारी कोई प्रॉब्लम भी है तो हम उनसे शेयर करके वो चीज सोल्व कर सकें। फैमिली जो है हमारी टेक केयर करती है जब हमें नीड होती है उनकी, जिस टाइम पे हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो फैमिली वहां पे हमारे लिए हमेशा खड़ी होती है। तो फैमिली जो है वो हमारा अच्छी तरह से पालन पोषण करती है, हमें हर तरह की सिक्योरिटी, हर तरह की नीड हमारी पूरी करती है। देन है प्रोविजन ऑफ होम, जब आप पैदा होते हैं, पैदा होते ही जैसे आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं या कुछ भी, तब भी आपको टेंशन तो नहीं होती है ना घर की, क्योंकि आपके फादर हैं आपके पास, आपकी मदर है, तो वो आपके लिए घर प्रोवाइड करती है। तो प्रोविजन ऑफ होम मतलब कि आप उस घर में आराम से रह सकते हैं, पीसफुली रह सकते हैं, वो एक ऐसा घर बनाते हैं जिसमें सब जो है प्यार से रहते हैं। देन उसके बाद है इकोनॉमिक फंक्शन, कि भाई फैमिली ही होती है जो कि आपकी हर तरह की नीड को पूरी करती है, आपकी एजुकेशन में पैसा कैसे लगाना है, आपको किस तरह के कपड़े पहनाने हैं, फूड कहां से लेके आना है, आपका घर कैसा होगा, तो सारी जो इकोनॉमिक नीड्स हैं, आपकी फंडिंग है, वो आपकी फैमिली आपको आपके लिए करती है। रिलीजियस फंक्शन, आपको जो भगवान की पूजा करनी है, फेथ बनाना है भगवान में, मेडिटेशन करना है, इससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन अच्छी होगी, मतलब हर तरह के रिलीजियस थिंग्स वो आपको सिखाती है, ताकि आप उस रिलीजन को जो है अपने कल्चर टू, अपने जनरेशन टू जनरेशन आगे से आगे फॉलो करते रहे। देन हेल्थ रिलेटेड फंक्शन, कि भाई आपकी फैमिली ही वो होती है जो कि आपकी हेल्थ के ऊपर ध्यान देती है, आपको बैलेंस डाइट देती है, आपको दिखाती है कि भाई आपके दादा दादी की या नाना नानी की हम जो है सेवा कर रहे हैं, ताकि बच्चा भी जो है उसमें भी वही टर्म्स आते हैं कि भाई अगर पेरेंट्स हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा कर रहे हैं तो हमें भी आगे जाकर यही चीज करनी है। और अब वो जो है बैलेंस डाइट देती है अपने बच्चों को, अगर बच्चों को जो है कोई भी दिक्कत है उन्हें फटाफट से उसका ट्रीटमेंट देती है। आजकल देखेंगे आपके बच्चे जो है वो जाके हॉस्पिटल में, प्राइवेट क्लिनिक्स में ज्यादा पैदा किए जा रहे हैं, कि भाई बच्चों को जो है तुरंत जो है नर्सिंग की सुविधाएं मिल जाए। देन है उसके बाद एजुकेशनल फंक्शन, एजुकेशन फंक्शन की भी मदर जो होती है वो आपकी फर्स्ट टीचर होती है, जो कि बेस्ट टीचर कही जाती है, जो कि आपको सारे मॉरल सिखाती है, बचपन से लेकर बड़े होने तक आपको सारे मॉरल सिखाती है। फैमिली आपकी प्राइमरी एजुकेशन को बहुत अच्छी तरह से देखती है, ताकि आपका कैरियर बन सके, आपका करेक्टर डेवलप करती है, कि भी आपका बिहेवियर अच्छा हो, आपको टॉलरेंस सिखाती है। अब देखिए फैमिली में अगर आप नहीं होंगे, आप अपने पीयर ग्रुप में या अपनी सोसाइटी में, तो इतने टॉलरेंस आप नहीं सीख सकते हैं। आपको फैमिली में कई बार गुस्सा भी आएगा, लेकिन उस चीज को शांत भी किया जाएगा, आपको समझाया भी जाएगा, तो फैमिली से आप टॉलरेंस सीखते हैं, आप जो है उसमें पेशेंस करना सीखते हैं, तो उससे क्या है आप सोसाइटी में फिर इजीली रह सकते हैं, कि मुझे यहाँ पर नहीं बोलना है इस जगह पर, या फिर इस जगह पर मुझे बोलना
बोलना चाहिए, इस जगह पे मुझे अपनी आवाज उठानी चाहिए, पर्टिकुलर चीज आप अपनी फैमिली से ही सीख जाते हैं। तो फैमिली सिर्फ आपकी यू नहीं कि आपकी प्राइमरी एजुकेशन में, फैमिली जो है आपके स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में तब तक आपका साथ देती है। सोशल फंक्शन फैमिली के क्या होते हैं, आपको मॉरल सिखाए जाते हैं ताकि आप एक गुड सिटीजन बन सके, अपने फैसले अच्छी तरह से खुद ले सके, तो इसलिए वो सोशली आपको फायदा करती है। देन है उसके बाद फैमिली जो है वो कैसे आपको किस तरह से मतलब आपका लव अफेक्शन वो सब शो करती है, जैसे कि फैमिली टाइम बनाते हैं हम, जैसे पिकनिक्स पे लेके जाती है फैमिली, छोटे छोटे ऐसे फीस्ट ऑर्गेनाइज करती है कि भाई जहां पर पूरी फैमिली आपके साथ मिले, एक्सटेंडेड फैमिली भी आए वहां पर, आप फेस्टिवल्स ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, आपकी मैरिजेस में जो है एक्सटेंडेड फैमिली, जॉइंट फैमिली सारी बुलाई जाती है ताकि वहां पर जो है आप अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता सके और अपने मॉरल्स जो है वो शेयर कर सके, अपनी सोशल चीजें शेयर कर सके और बहुत कुछ आपको उससे सीखने को मिलता है। ऐसे ही आपके कल्चरल फंक्शन होते हैं कि भाई आप अपने कल्चर को जो है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन आप फॉलो करते जा रहे हैं और उस चीज को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये सारे थे फैमिली के फंक्शन। नेक्स्ट आपका आ गया है नेबरहुड। नेबरहुड का क्या रोल होता है, इसमें नेबरहुड कौन होते हैं, देखिए टिपिकली ये जो होते हैं आपसे आपकी सोशल इंटरेक्शन होती है इनसे, आप फेस टू फेस इनसे इंटरेक्ट करते हैं जो आपके आसपास में रहते हैं। नेबरहुड कौन सा होता है, जैसे आपके पड़ोसी हैं, कोई भी आपके साइड में रहता है वो आपका पड़ोसी है, जो आपके सामने रहता है वो आपका पड़ोसी है, कि मतलब जिनसे आप डेली मिलते हैं, आप फेस टू फेस उनको देखते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके पड़ोसी। नेबरहुड जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कि नेबरहुड जो है वो बहुत अच्छा भी हो जो कि आपकी हेल्प करे मुश्किल टाइम में, और नेबरहुड हो सकता है कि बहुत बुरा भी हो कि भाई जो आपकी तरफ ध्यान ही ना दे और जो अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज कर रहा है या सारे दिन उनके घर लड़ाई ही चलती रहती है, तो उस चीज से नेगेटिव इंपैक्ट भी आपके ऊपर पड़ सकता है। तो ये होता है आपका नेबरहुड। नेबरहुड जो है वो क्या है आपका, कि भाई आपसे बहुत ही ज्यादा क्लोज है वो, क्यों, क्योंकि आपके एरिया में रहते हैं, आपकी सोसाइटी में रहते हैं, आपके कॉमन, आपका डेली फेस टू फेस इंटरेक्शन उनसे होता है। नेबरहुड आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट होता है, इजीली एक्सेसिबल होता है, कि भाई आपको अगर कोई भी जरूरत है तो आप उनके पास जा सकते हैं। नेबरहुड जैसे कैसे हेल्प करता है आपकी, मान लीजिए आपको कोई एकदम से अचानक जरूरत आ पड़ी है शाम के टाइम, रात के टाइम, तो आपके पास कोई हेल्प के लिए नहीं है, तो आप अपने नेबरहुड से जाके हेल्प मांगेंगे, अगर वो अच्छे हैं तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। ऐसे ही आपको कहीं पर इमरजेंसी में जाना पड़ गया है तो आप जो है उनसे हेल्प ले सकते हैं। ऐसे ही आपके घर पर कोई सामान खत्म हो गया है तो आप नेबरहुड से अपनी हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप वो आपकी हेल्प कर सकते हैं हर चीज में, कि भाई आपको कोई भी तकलीफ है, मान लीजिए आप प्रेग्नेंट है, आपको कोई हेल्प की जरूरत है, तो आपकी नेबरहुड ने आपकी हेल्प कर दी। तो इस तरह से पड़ोसी आपके बहुत ज्यादा काम आते हैं ताकि आप उनसे जो है इंटरेक्ट कर सके और एक दूसरे के काम आ सके मुश्किल टाइम में। कई बार जो है जैसे हमारे पेरेंट्स से हमारी कोई चीज नेग्लेक्ट हो जाती है, तो हो सकता है कि हमारे नेबरहुड में कोई एल्डर लेडी रहती हो या एल्डर जो है कोई पर्सन रहता है जो कि आपको मॉरल वैल्यूज दे सके कि नहीं बेटा आप ये गलत कर रहे थे, मैं आपको दो दिन से नोटिस कर रहा हूं, या आप इस तरह से बात नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स से। तो इस तरह की चीजें भी आपका नेबरहुड आपको सिखा सकता है। जैसे आप फेस्टिवल्स मनाते हैं तो अपनी नेबरहुड में आप स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोई मैरिज होती है तो वो आपके फंक्शन में इंक्लूड होते हैं, आपकी हेल्प करवाते हैं, आपकी हर तरह से वो हेल्प करते हैं, काम में शेयरिंग करवा देते हैं आपकी, तो वो होती है आपकी नेबरहुड। देन आगे है आपकी एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब है कि जो आपके न्यूक्लियर फैमिली से बियॉन्ड है, कि मतलब जैसे आपके आंटी अंकल हो गए हैं, आपके कजन हो गए हैं, जो कि आपके नियर बाय रहते हैं या एक ही घर में आप रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड फैमिली। तो एक्सटेंडेड फैमिली आप उसे ही कहेंगे जो आपकी इमीडिएट फैमिली के मेंबर होते हैं, उन्हीं से जो फैमिली आगे एक्सटेंड होती है उसी को आप एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। देन एक्सटेंडेड फैमिली जो है उसके क्या फीचर्स होते हैं, जैसे आपका वर्कलोड ज्यादा है, मान लीजिए आपकी फैमिली बड़ी है, आपके 8 बंदे हैं, 10 बंदे हैं फैमिली में, तो ऑफ कोर्स है उसमें जो है वर्क की शेयरिंग भी होगी, कि आप सुबह का खाना आप बना लीजिए, दोपहर का आप बना लीजिए और डिनर जो है मैं बना लूंगी। तो इस टाइप से होता है, आपके घर के कामों में आपको हेल्प मिल जाती है, तो इस तरह से आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें आपकी हेल्प मिल जाती है। आपके घर में जो है एक ही तरह का रूल चलेगा, जैसे कि पैट्रियार्क जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था आपने, कि जो भी ओल्डेस्ट मेल मेंबर होगा उसका ही रूल आपके शासन चलेगा आपके घर के अंदर, मतलब उसी की सारी चीजें मानी जाएंगी और किसी की कोई डिसीजन नहीं चलेगा। सीनियर मेंबर जो होगा आपके हाउस होल्ड का, वो बच्चों को सिखाएगा कि आपकी मदर टंग ये है, आपकी मैनर्स ये है, आपकी एडिकेट्स ये है, आपका कल्चर ये है, तो वो चीजें वो ट्रांसफर करेंगे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो वो और ऐसे घरों में जो है बहुत ही बड़ा बरांडा होता है, या बहुत ही बड़ा आप ये कह सकते हैं लॉबी एरिया बहुत बड़ा रहता है, हर किसी के अपने अपने बेडरूम होते हैं, घर बड़ा होता है उनका, तो सबको अपनी नीड के अनुसार जो है वो रहते हैं। फैमिलीज में क्या होता है, जैसे आपकी बड़ी फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, तो क्या होगा उसमें कि अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो रही है या कोई भी तकलीफ है, कोई बीमार है, तो उसको किसी भी हेल्प की जरूरत है, तो सब मेंबर्स उसकी हेल्प करने के लिए वहां पर होते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके एंट अंकल हो सकते हैं, कजन हो सकते हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रेट अंकल हो सकते हैं, ग्रेट एंट्स हो सकती है, ये सब आपकी एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा हो सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है जो ऊपर पड़ी है, वो एडवांटेजेस ही है इसकी, कि फाइनेंशियली जो है कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं सब मेंबर्स, जो भी मेल मेंबर होंगे वो फाइनेंशियली कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, आपके कॉमन राइट्स होंगे पूरे हाउस होल्ड में, सबके लिए एक ही रूल चलेगा, क्योंकि वहां पर जो है सबसे सीनियर मेल मेंबर जो है वही अपना रूल चलाएंगे। फैमिली जो है वो एक कॉमन किचन में अपना खाना बनाएगी और वो एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, या फिर हो सकता है मेल जो है वो अलग बैठ के खाना खाते हैं, फीमेल जो है अलग बैठ के खाना खाते हैं। देन उसके बाद जो है डेली के एक्सपेंडिचर जितने भी होंगे वो अपने हिसाब से कर सकते हैं और उसमें सबकी भागीदारी होगी। तो ये है इसकी एडवांटेजेस। देन है इसकी इंपॉर्टेंस एडवांटेजेस, ये बार बार यही आएंगी सेम सेम, तो यही चीज बिल्कुल सेम सेम है, कि भाई सब जो है शेयरिंग करते हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा देना होता है, किसी को कम देना होता है, सब इक्वली शेयरिंग करते हैं। जैसे जो बड़ा मेंबर होगा वो अपने पास शेयरिंग लेगा और फिर वो एक्सपेंसेस उस हिसाब से लगाएगा। सबको जो है इक्वल लव मिलता है, केयर मिलती है, गाइडेंस मिलती है, एजुकेशन मिलती है। जैसे जो दादा दादी होते हैं वो सब बच्चों को इक्वली प्यार करते हैं, उनको इक्वली मदर टंग के बारे में सिखाते हैं, कल्चर के बारे में सिखाते हैं और उनको रूट्स के बारे में सिखाते हैं, कि भाई हम कहां से आए थे, क्या हमारी लैंग्वेज है, क्या हमारे मैनर्स है, क्या हमारे एडिकेट्स है, वो हर बच्चे को सिखाए जाते हैं। गाइडेंस जो है अंकल आंटी से वो बच्चों को मिलती है। इसी तरह से जो है जैसे कि मैरिज वगैरह का, बर्थडे का, एंगेजमेंट का कोई भी ओकेजन होता है, तो वहां पर सारे फैमिली मेंबर जो है वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे की वहां पर उनकी नीड्स को पूरा करते हैं, कि भाई हाँ अब ये जरूरत है यहाँ पर, ये चीज की जरूरत है, तो सब जो है वो उस चीज को हेल्प करते हैं उसकी। तो यही इसकी देखिए एडवांटेजेस यहाँ पर भी थी, ये इंपॉर्टेंस है और ये भी एडवांटेजेस है, तीनों में आप एक चीज देख सकते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है। देन है उसके बाद तो इसके डिसएडवांटेज में क्या आएगा, डिसएडवांटेज में क्या आएगा कि मान लीजिए कोई भी एक मेंबर है फैमिली में जो नहीं कमा रहा है लेकिन उसको भी बराबर का हिस्सा मिल रहा है फैमिली में, तो दूसरे मेंबर्स को भी बुरी लग सकती है चीज। हाई अर्निंग मेंबर जो होगा, मान लीजिए 10 बंदे हैं उसमें से 4 कमाने वाले
हैं, चारों की सैलरी इक्वल नहीं है। जो ज्यादा कमाता है वो हो सकता है जो लोग कमाने वाला बंदा हो या फिर जो कमा नहीं रहा है उसकी इंसल्ट करे बार बार पे। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बहुत ज्यादा हाई होती जा रही है, तो हाई अर्निंग मेंबर जो है वो हो सकता है अपने बच्चों को जो है कॉस्टली स्कूल में पढ़ाए, और बाकी क्योंकि घर का खर्चा तो सबको इक्वल देना है तो हो सकता है वो अपने बच्चों को कॉस्टली स्कूल में पढ़ाए, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, दूसरों के बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं। इसी तरह से लार्ज फैमिली जो होती है उसमें क्या होता है, कोई भी एक हेड बन जाता है उसी का वहां पर जो है डिसीजन चलता है कि वो जो डिसीजन लेगा, चाहे किसी को कुछ फील हो रहा है नहीं हो रहा है। और इसमें क्या होता है, ज्यादातर लड़कियों को या लेडीज को क्या कर दिया जाता है कि आप जो है घर का काम ही करेंगे, आप बाहर जाकर जॉब नहीं करेंगे। जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है, उनमें ये बोल दिया जाता है कि कमाने के लिए बहुत है और भाई हमारे पास जो है इक्वल आ रहा है हिस्सा, तो आप जो है आप घर संभालेंगी और अपने घर के काम ही करेंगे। और हो सकता है कि कोई फैमिली मेंबर इतना तेज हो कि वो दूसरे को जो इनोसेंट मेंबर है उसको हमेशा ही टॉर्चर करता रहे या उस पर हमेशा ताने मारता रहे, तो ये चीज भी आपके इसकी डिसएडवांटेज हो सकती है। तो इसमें हेल्प कैसे करते हैं कि भाई वो इंपैक्ट कैसे डालते हैं बच्चे की डेवलपमेंट में, वो कम्युनिकेशन सिखाते हैं बच्चे को कि भाई उससे अच्छी तरह से बात करना सिखाते हैं, उनको मैनर सिखाते हैं, एडिकेट सिखाते हैं, उनको जो है पावर सिखाते हैं कि भाई आपके अंदर लिसनिंग पावर होनी चाहिए। जब आपके दादा दादी आपसे कोई बात कर रहे होते हैं, आपको कोई स्टोरी सुना रहे होते हैं, तो आपको चुप रहने के लिए बोलते हैं आपके पेरेंट्स कि भाई उनकी बात ध्यान से सुनो, वो आपके बेस्ट फ्रेंड है। तो इस तरह से क्या होता है कि आपके अंदर भी लिसनिंग पावर जो है डेवलप होती है। तो इस तरह से आप कंपोज रहते हैं, आप एंगर जो है वो अवॉइड करते हैं, आपको टेम्परामेंट इश्यूज नहीं होते हैं, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। तो ये सब चीजें हम किससे सीखते हैं, हम अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से सीखते हैं। देन लास्ट आपका आ गया है रिलीजियस ग्रुप। रिलीजियस ग्रुप से हम क्या सीखते हैं, रिलीजियस ग्रुप होते क्या है, रिलीजियस ग्रुप होते हैं कि जिसमें आपको अपने क्रिएटर के बारे में बताया जाए। मतलब रिलीजन हेल्प मैन टू नो हिज क्रिएटर, कि भाई गॉड आपका क्रिएटर है, स्पिरिचुअल वैल्यू है, वो सुप्रीम पावर है आपकी, और वो जो है उसके आपके पास जो है कोई चॉइस नहीं होती है, आपको अडॉप्ट करना ही पड़ता है। जैसे आपके पेरेंट्स जो है जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको भी वही हैबिट पड़ जाती है और आप भी उसी तरह से रिलीजियस हो जाते हैं। आप धीरे धीरे उस चीज में बिलीव भी करने लग जाते हैं, आपकी जो है स्पिरिचुअल वैल्यूज भी बनने लग जाती है, मोरल वैल्यूज भी बनने लग जाती है। तो इसमें क्या है, आप उनसे जुड़ जाते हैं क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं। मान लीजिए आप कभी दुखी हैं, आप कभी बहुत खुश हैं, तो आपको कहेंगे जैसे आप बहुत खुश है, किसी दिन आपको कुछ अचीव किया है, तो आपको पेरेंट्स कहेंगे कि आप सबसे पहले जाइए मंदिर में जाकर भगवान जी को पूजा कीजिए या उनका प्रसाद चढ़ाइए कि उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और अगर आप कभी दुखी होते हैं तो आपके पेरेंट्स कहेंगे कि आप जाइए मंदिर में और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरी ये चीज ठीक हो जाए। तो मतलब आपको शुरू से ये इंपैक्ट, ये बिलीव बना दिया जाता है कि गॉड ही एक है जो हमारी हेल्प कर सकता है। तो इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके फंक्शन यही होते हैं कि फंक्शन ऑफ रिलीजन क्या आ जाते हैं कि रिलीजन गिव्स अस मीनिंग एंड पर्पस टू लाइफ। कि भाई हम ये चीज जानते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स से या हमने देखा है कि बच्चा पैदा होता है और एक टाइम पे जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो इसके बीच में क्या मिस्ट्री है भाई, कोई तो ऐसी सुप्रीम पावर है जो ये सब चीजें कंट्रोल करी है। तो हमें क्या है, एक चीज मिल जाती है कि भाई हाँ कोई सुप्रीम पावर है या भगवान है जो हमें देख रहा है। जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, तुम्हें मोरल वैल्यूज लेनी चाहिए, एथिक्स से चलना चाहिए, दूसरे पे कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। तो वो सारी चीजें हमें कहां से आती है, रिलीजियस थिंग्स से, स्पिरिचुअल वैल्यूज से आती है। देन है रिलीजियस रीइंफोर्स सोशल यूनिटी एंड स्टेबिलिटी। सोशल यूनिटी कैसे करती है ये, कि फर्स्ट है मान लीजिए आप मंदिर में जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, गुरुद्वारे में जा रहे हैं, तो वहां पर क्या करते हैं आप सब लोग जाते हैं। सेकंड वहां पर आप जो है मिलते हैं अपनी कम्युनिटी के लोगों से, मिलते हैं वहां पर एक साथ से आप पूजा करते हैं, तो क्या होती है सोशल इंटरेक्शन होती है, फिर आपकी कम्युनिकेशन बढ़ती है, तो उस तरह से आपके बॉन्ड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। रिलीजियस इज अ एजेंट ऑफ सोशल कंट्रोल, ये आपके मोरल बिहेवियर को और आपके गुड मेंबर ऑफ सोसाइटी बनने में आपकी हेल्प करता है। रिलीजियस इज ग्रेटर साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल वेलबींग, कि मतलब जैसे आपको साइकोलॉजिकली ये स्ट्रॉन्ग रखता है कि आपको सेटिस्फाई करता है कि हाँ आप एक अच्छी लाइफ जिए, आप बेटर लाइफ जिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप कॉन्सेंट्रेशन आपकी अच्छी बनेगी, तो इन सब चीजों के लिए आपको मोटिवेट करता है। रिलीजन कैन मोटिवेट पीपल फॉर पॉजिटिव सोशल बींग, कि भाई आपको बताता है आपका रिलीजन की आपको एक पॉजिटिविटी रखनी चाहिए अपने अंदर, नेगेटिव रखे आपका कुछ नहीं होगा, देखिए सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, आपके साथ जो होना है आप इस चीज को चेंज कर सकते हैं लेकिन एक अच्छे इंसान बनके। तो उसमें क्या है, आप अपने अंदर पॉजिटिविटी रखेंगे, हर चीज आप भगवान पे छोड़ देंगे, तो उससे क्या है आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, आप जिंदगी जो है आराम से जी सकते हैं, आपको दूसरों पे गुस्सा नहीं आता है। तो ये सब चीजें हैं कि वो आपको मोटिवेट करते हैं पॉजिटिविटी लाने के लिए।